अब ये तो बात होगी फंक्शन और रिलेशन की। अब फंक्शन के अंदर एक मजीद टाइप है जिसको हमने पढ़ना है, और वो क्या है, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है, देखो अगर इस फंक्शन को समझने से पहले मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो क्या है। अगर आप इस फंक्शन को कंसीडर करो f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, अगर मैं इसके अंदर 1 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर मैं इसके अंदर -1 पुट कर रहा हूं तो -1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा। मतलब इधर x की जगह अगर मैं -1 पुट करूं तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। है ये फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर आप एक इनपुट कर रहे हो तो एक ही आउटपुट मिले आपको, ये बेसिक डेफिनेशन है। फंक्शन में ये जरूर हो सकता है कि अगर आप डिफरेंट एक्स वैल्यू पुट कर रहे हो लेकिन आपको आउटपुट सेम मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल डिफरेंट एक्स वैल्यू आप पुट कर रहे हो फंक्शन के अंदर लेकिन आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, ये हो सकता है। लेकिन एक एक्स वैल्यू पे आपको दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, जैसे मैंने इसमें 1 पुट किया तो मुझे दो आउटपुट मिल गए, ऐसा नहीं हो सकता, उसको हम फिर फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन में ऐसा जरूर हो सकता है कि आप डिफरेंट एक्स वैल्यू पुट कर रहे हो, यहां पे आपने 1 पुट की, यहां पे -1 पुट की, लेकिन आपको आउटपुट सेम मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल फंक्शन के अंदर हो सकता है। और आप ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हो, देखो अगर आप 4 पुट करो या आप -4 पुट करो, लेट कर लो ये -4 है और ये 4 है, इस दोनों वैल्यूज पे अगर मैं ग्राफ सही तरीके से बनाऊं, थोड़ा नीचे हुआ है ना ये, अगर आप ग्राफ को सही तरीके से बनाओ, सेम आपको y वैल्यू मिल रही है, आपको 4 पे भी फंक्शन की 3 वैल्यू मिल रही है, आपको -4 पे भी फंक्शन की 3 वैल्यू मिल रही है। यहां आप लोग देख लो, ये मैंने x वैल्यू लेट से 4 पुट की है तो मुझे असल में तो 16 मिलनी चाहिए, तो 16 को देख लो ये मिलेगी 16, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर -4 पुट करूंगा तो लेट कर लो आपको तब भी 16 मिलेगी, पुट करके देख सकते हो आप, 4 पुट करोगे 4 का स्क्वायर 16, आप -4 पुट करोगे -4 का स्क्वायर 16। तो ग्राफ से भी वेरीफाई हो रहा है कि आप डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पुट कर रहे हो लेकिन आपको सेम वाई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो फंक्शन में ऐसा जरूर हो सकता है कि आपकी एक्स वैल्यू डिफरेंट हो लेकिन आउटपुट आपको सेम मिल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक एक्स वैल्यू पुट करो, लेट से 2 पुट करो और आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक 4 मिल रहा है और एक -4 मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर फंक्शन की आप बात करो तो एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होना चाहिए, लेकिन फंक्शन में ऐसा जरूर हो सकता है कि आप दो इनपुट करो और आपको सेम वाई वैल्यू या सेम आउटपुट मिल रहा हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन टू वन फंक्शन की। वन टू वन फंक्शन फंक्शन की एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर अगर आप डिफरेंट एक्स वैल्यू पुट करो तो आपको डिफरेंट वाई वैल्यू मिलनी चाहिए। दोबारा बताता हूं, फंक्शन की एक ऐसी टाइप है जिसको हम वन टू वन बोलते हैं। वन टू वन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर अगर आप डिफरेंट एक्स वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको डिफरेंट आउटपुट मिलने चाहिए। अगर डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल रहे तो वो फंक्शन तो होगा लेकिन वो वन टू वन नहीं होगा। अगर आपको सेम आउटपुट मिल रहे, डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल रहे, तो फंक्शन तो आप उसको बोलोगे लेकिन उसको वन टू वन फंक्शन नहीं बोलोगे। वन टू वन फंक्शन कौन से हैं, लेट्स से ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप इसके अंदर 1 इनपुट कर रहे हो तो 1 का क्यूब 1 के बराबर है। अगर आप इसके अंदर -1 पुट कर रहे हो तो -1 का क्यूब -1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप 2 इनपुट कर रहे हो, 2 का क्यूब 8, और अगर आप -2 पुट कर रहे हो तो -2 का क्यूब -8। तो देखो x वैल्यू मेरी डिफरेंट है और y वैल्यू भी मुझे डिफरेंट मिल रही है, y वैल्यू कोई सेम नहीं मिल रही। इस वाले केस में डिफरेंट x वैल्यू पुट की थी लेकिन y वैल्यू दोनों की सेम थी, तो ये फंक्शन तो होगा। फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि एक इनपुट कर रहे हो एक ही आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। वन टू वन फंक्शन के लिए शर्त ये है कि लाजमी आउटपुट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। डिफरेंट आप एक्स वैल्यू पुट करो तो डिफरेंट आपको आउटपुट मिलने चाहिए। अगर ये वाला फंक्शन जो है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि डिफरेंट अगर आप एक्स वैल्यू पुट करो डिफरेंट वाई वैल्यू मिल रही है, उस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। ये टाइप होती है फंक्शन की जिसको हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। अब अगेन जैसे फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट था जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर एक पॉइंट पर क्रॉस करिए इसका मतलब है फंक्शन है, दो पॉइंट पर क्रॉस करिए तो वो फंक्शन नहीं, वो रिलेशन कहलाया जाएगा। इसी तरह वन टू वन फंक्शन को भी चेक करने का तरीका है कि आप चेक करो क्या ये फंक्शन वन टू वन है या नहीं है।
हम चेक करते हैं, अभी आपको मैंने यहां से प्रूफ कर दिया है कि ये 1:1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एक्स वैल्यू पे आपको सेम वाई वैल्यू मिल रही है। अब ग्राफ के जरिए से कैसे पता चलेगा? सिंपल, आप क्या करो, ये ग्राफ है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो 1:1 है नहीं, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फंक्शन को टेस्ट करने के लिए होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, और 1:1 फंक्शन को टेस्ट करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप क्या करोगे, आप ग्राफ के ऊपर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है फंक्शन को, तो इसका मतलब है वो फंक्शन सिर्फ फंक्शन है, वो 1:1 फंक्शन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो या इससे ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है वो फंक्शन तो है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट को तो पास कर रहा है ना, वो फंक्शन तो है, लेकिन वो 1:1 फंक्शन नहीं है। 1:1 फंक्शन के लिए लाजमी है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे क्रॉस करे। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये टेस्ट पास हो जाए? वो मैंने एग्जांपल दी भी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये क्यूबिक फंक्शन होता है और इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, इस टाइप का ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का। इस पे देखो ये फंक्शन भी है, सबसे पहले फंक्शन टेस्ट करते हैं हम। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अब देखो जितनी वर्टिकल लाइन है वो एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ये 1:1 फंक्शन भी है, इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को भी पास करेगा। ड्रॉ करके देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, ये ग्राफ चल रहा है आपका भी, तो देखो ये एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। इसी तरह एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब है ये फंक्शन भी है और साथ साथ ये 1:1 फंक्शन भी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है फंक्शन को। अब इसके पीछे हिकमत क्या है कि एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो 1:1 है, और दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो 1:1 नहीं है, वो आपको दिखने में लग रहा है। अगर वो दो पॉइंट पे क्रॉस करेगी, जैसे ये वाली लाइन है, ये दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो ये शो क्या कर रही है कि इस x वैल्यू पे भी आपको सेम y वैल्यू मिल रही है, इस वाली x वैल्यू पे, लेट से क्या होगा, कुछ भी 4, 5 कुछ भी लेट कर लो, और इस वाली जिन दो पॉइंट पे क्रॉस करी ना उससे एक लाइन ड्रॉ कर दो, इससे भी नीचे ड्रॉ करो, तो x वैल्यू पे भी आपको सेम y वैल्यू मिल रही है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ये लाइन है आपके पास जो y एक्स को किसी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है ना, लेट से y की वैल्यू 5 है इधर। ठीक है, अब सेम y वैल्यू आपको इस x वैल्यू पे भी मिल रही है, और सेम y वैल्यू आपको इस x वैल्यू पे भी मिल रही है। ये वैल्यू मैंने एक्यूरेट नहीं लिखी हुई, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, अगर आप 4 पुट करोगे तो आंसर 16 आना चाहिए, जस्ट मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दो पॉइंट पे क्रॉस करने का मतलब है कि डिफरेंट एक्स वैल्यू पे आपको सेम वाई वैल्यू मिल रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये 1:1 फंक्शन नहीं है। 1:1 फंक्शन के लिए डिफरेंट अगर इनपुट है तो डिफरेंट आउटपुट होने चाहिए।